10-12 साल से जो है हमारी बनोई टू बीजी रोड का जो है हम कई बार जो है इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारी रोड की बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। हमारा सब डिवीजन मेंडर से जो है हमारे हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल से हमारी कई माएँ बहनें भाई जो हैं वो सफ़र होते हैं और यहाँ से बीजी तक हमें 10 मिनट का सफ़र जो है हमें 2 घंटे में तय करना पड़ता है और उसके लिए हमने कई बार प्रोटेस्ट रखा, कई बार हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की कि हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आज हम इस मुद्दे पे पहुँचे हैं कि हमने कल सोमवार को जो है हमने 9 बजे कॉल दी है, ऑल ट्रांसपोर्टरों को हमने कॉल दी है, जितने भी मेरे यहाँ पर एजेंट भाई हैं मैंने उनको भी कॉल दी है और हमारी मीटिंग हुई है। हमने इंतज़ामिया से भी ये कहा है कि हम सोमवार सुबह 9 बजे जो है हम अपने स्टैंड के अंदर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट रखेंगे और मैं अपनी जितनी भी मेरी ट्रांसपोर्ट यूनियन है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आए हमारे साथ वहाँ पर रोड पर बैठें और हम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि ताकि पता चले कि हमारी बीजी टू बलोई रोड की क्रिटिकल कंडीशन है और हमारे कई माएँ बहनें कई हमारे भाई सफ़र होते हैं और जो हमारी रोड बीजी टू जो है तोता गली से PMGSY जो है हरनी में लिंक करती है, जितने भी ऑफिसर हैं उस रोड पे आते हैं और बीजी वाला जो बीजी से दारगुलून होके जो रास्ता हमारा मेंडर आता है वो रोड हमारे ऑफिसरों ने छोड़ दी है। क्यों? कि वहाँ से उनको पता है कि जो भी जाता है उसकी क्या कंडीशन होती है। बाकी ये मेरे ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने लोन पर गाड़ियाँ ली हुई हैं, इन्होंने पैसेंजर टैक्स भरना होता है, इन्होंने डॉक्यूमेंट भरने होते हैं और इनकी क्या कंडीशन होती है ये इंतज़ामिया अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन बिल्कुल इनके कानों तक जूं नहीं रेंगती है कि ये हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं। दूसरा वहाँ पर काम जो है पिछले दिनों में मैंने DC साहब से कहा और वो काम जो है लगवाया और काम लगवाया, एक ठेकेदार और 4 वहाँ पर लेबर के आदमी हैं, ये काम कब तक चलेगा? जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक ये काम चलेगा। इसलिए हमने आज ये हमने कॉल दिया अपने ये एजेंटों को और नॉर्मल से हमारे ये आज एतवार था और हमारे ड्राइवरों को मेरा यही कहने का मुद्दा है बालाकोट आवाम से बीजी और जहां से भी हरनी से मनकोट से कालाबंद से जहां जहां से भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं मेरी आवाज़ इन तक जा रही है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप अपने हक के लिए आएँ, अपने हक के लिए बैठें और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें और गवर्नमेंट तक सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि हम लोगों की क्या परेशानी क्या मुश्किलात है और इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी।